हर्षवर्धन जी, सवाल था कि वो कौरवों को लेकर बयान, पांडवों को लेकर बयान, इसमें एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और थोड़े से ऐसे बयान उन्होंने कहा मैक्रो लेवल पर देखो, खाली बयानों को पिक ना करो, आपका टेक उस पर? देखिए निशान जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जयराम जी तो हो गए 68 साल, हमारे संपादक जी लोग भी सब बहुत वरिष्ठ उम्र दराज हैं, लेकिन मेरी भी उम्र राहुल जी से थोड़ी कम है और जो पीछे सारे बच्चे बैठे हैं तो सबको सर्दी लगती है, तो सामान्य लोगों को सर्दी लगती है। तो राहुल गांधी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहते हैं? राहुल गांधी किसे ये बताना चाहते हैं कि सर्दी में सर्दी नहीं लगती? और क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा में सबसे ज़्यादा मार दिया, मारा नहीं, नफरत नहीं की, नफरत करते हैं? तो जिस यात्रा को कहा जा रहा है कोई जोड़ने निकली है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी की बात कर रही है, नफरत करना। और यहाँ तक कि जब लाल किले पर गए तो राहुल गांधी का बयान है कि 2800 किलोमीटर की यात्रा के बाद भी मुझे नफरत नहीं मिली। तो जब नफरत नहीं मिली तो उस वाले राहुल गांधी को मारने की क्या ज़रूरत थी कि एक राहुल गांधी दूसरे राहुल गांधी को मारे? ये भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ। और क्या दाढ़ी बढ़ा लेना, टी शर्ट पर घूमना, इससे राजनीति परिपक्व होती? इससे भारत का लोकतंत्र जीता जाएगा? एक बहुत ब्रॉडर कैनवस में सवाल है। सवाल यह है कि उन बयानों को लेकर रेफरेंस पॉइंट कई बार आ रहा है। दूसरा, राहुल गांधी की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या? और राहुल गांधी जिस इमेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ वो युवा इमेज है जो टी शर्ट है, बहुत जो कहा जाता है एग्रेसिव राहुल गांधी है, दूसरी तरफ वो दाढ़ी है। इन दोनों सवालों में मैंने क्लैरिटी की, आपका आंसर इस पर क्या होगा सर? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने कहा आज सही साबित हो रहा है। आधे घंटे हो गए हम सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके एक शब्द आपने बात नहीं की, एक शब्द नहीं। राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है, राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ाया है, राहुल गांधी ने ये शब्द का इस्तेमाल किया है, थोड़ा इससे हटिए ना। एक मिनट, भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे उठा रहे हैं आप उन मुद्दे से सहमति नहीं होगी। आप कह सकते हैं कि नहीं हमारे देश में आर्थिक विषमताएं नहीं है, आप कह सकते हैं नहीं ध्रुवीकरण की रणनीति नहीं है बीजेपी की, आप कह सकते हैं कि नहीं राजनीतिक तानाशाही नहीं है, बहस हो सकती है उसके ऊपर, आप पर मुद्दों पर बहस कीजिए। अच्छा, मुझे जयराम जी एक चीज मुद्दों पर बहस करने के लिए आप व्यक्तियों पर करना चाहते हैं। जयराम जी, 2024 में आप पूछेंगे राहुल क्या 2024 के लिए तैयार है? आपसे एक चीज पूछेंगे नहीं, क्या कांग्रेस तैयार है कि नहीं? आपको मास्टर कम्युनिकेटर कहा जाता है। एक सेकंड, एक हर्षवर्धन जी, एंड आई एम रेडी टू स्टैंड करेक्टेड। जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसमें कांग्रेस की तरफ से कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं या मीडिया के कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है? आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आप हर एक चीज को व्यक्तियों पर रिड्यूस कर देते हैं। हाँ, एक से, व्यक्तियों को नजरिए से देखते हैं, व्यक्तियों को थोड़ा अलग से रखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है, व्यक्तियों को थोड़ा अलग से रखिए और गलती से कभी कभी मुद्दों का भी आप जिक्र कीजिएगा, मुद्दे पर बहस कीजिएगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं सबके पास आ रहा हूं, एक मिनट दादा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, व्यक्ति व्यक्ति बोल रहे हैं आपके पास। राहुल गांधी बार बार क्यों आज अंबानी अदानी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आज वो हकीकत है राजगोपालन जी, पैसा मिलेगा, आज वो हकीकत है, हमारा उसी का जोड़ रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, राजस्थान में किया ना उन्होंने, देखिए अंबा अदानी के साथ राजस्थान में किया ना आपने, उन्होंने बोला दो, ठीक है, ये हकीकत है। अच्छा अब पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अशोक जी बताइए। हाँ जयराम जी, आप कह रहे थे कि मुद्दों पे बात करें, राहुल जी पे बात नहीं करें, सही कह रहे हैं आप, लेकिन राहुल जी ऐसे कौन से नए मुद्दे उठा रहे हैं? 2014 से जो मुद्दे उठा रहे हैं वही मुद्दे उठा रहे हैं आज भी। 2014 से इस पदयात्रा के पहले जो भी मुद्दे उठा रहे थे लोग उनको सुन नहीं रहे थे, क्योंकि पप्पू बना दिया था उनको, जिसमें कांग्रेसियों का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब इस पदयात्रा से वो सीरियस लोग सुन रहे हैं, इसलिए आप बोलते हो मुद्दों पे बात करें, मुद्दे नए नहीं हैं, राहुल गांधी की इमेज नहीं है, इसलिए यही पदयात्रा राहुल गांधी की पदयात्रा है। यदि 200 कांग्रेसी निकल जाते ना तो 30 लोग उनको खाना खिलाने के लिए भी रास्ते पे नहीं होते। ये राहुल गांधी ही है जिसके चक्कर में लोग इतने हजारों के तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन है। तो कांग्रेस पार्टी क्या है आज के डेट में? आपने खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया, आप ही के कलीग कहते हैं कि वो तो नाम के अध्यक्ष है, जो कुछ भी है राहुल जी है। अध्यक्ष नया है आपका, गांधी परिवार से बाहर है, लेकिन सारे नेता कहते कि हमारे नेता जो है गांधी परिवार से है। तो राहुल गांधी व्यक्ति है, कांग्रेस में राहुल गांधी ही सब कुछ है।
और यदि वो है तो उनके नाम से ही रैली होनी चाहिए, उसके नाम से ही सब कुछ आते हैं। बगैर राहुल गांधी रैली करके चला, आप रैली करके दिखाइए, वो भीड़ खींच के दिखाइए। जब राहुल गांधी के नाम से सब हो रहा है तो फिर राहुल गांधी की यात्रा, फिर आप कांग्रेस कांग्रेस। पॉइंट ये है, वानखेड़े जी से, मैं वानखेड़े से कहूंगा, कल विश्राम का दिन है, 14 तारीख को एक दिन के लिए आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, लुधियाना नहीं, एक दिन के लिए आइए, चलिए देखिए कौन आते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, किस तरीके से राहुल जी इन लोगों से बातचीत करते हैं, और कौन कौन नेता वहां है, कौन कौन नेता वहां है, देखिए आप देखिए राहुल जी के अलावा। और एक मिनट रुकूंगा अशोक जी, टीवी स्टूडियो पर बैठ के कहना बहुत आसान है, आप सड़क पर उतरिए, 5 मिनट चलिए और आप देखिए। इन वन लाइन सर, अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करूं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी से आगे यात्रा निकल चुकी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के अलावा और कई नेता हैं, अच्छा, जो चल रहे हैं, रोज चलते हैं उनके साथ, पर जो माइक जाता है वो सिर्फ राहुल गांधी जी के पीछे।